एवरीवन, मैं कृतिका, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीस लिली के बारे में। तो ये मेरा पीस लिली का प्लांट है जो कि मेरे पास में 1.5 साल से है। लास्ट ईयर भी इस पर बहुत ब्यूटीफुल सी फ्लावरिंग हुई थी, वाइट कलर के इस पर फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं वो। तो बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स आए थे मार्च के टाइम पे, मार्च अप्रैल में। बट अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है और अभी इस पर कोई भी मुझे ब्लूमिंग नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि जो हमारे पीस लिली के प्लांट है उस पर बहुत ही प्यारी सी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका प्लांट है, आप पीस लिली के प्लांट को कोशिश करें कि आप मिट्टी के गमले में ही लगाएं। तो इसकी ग्रोथ जो है मिट्टी के गमलों में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। और मिट्टी के गमले में क्या रहता है कि आपके जो एयर है वो अच्छे से, आपकी जो रूट्स हैं उनको अच्छे से एयर मिलती है। पीस लिली में सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है रूट रॉटिंग की, या फिर जो ओवर वाटरिंग हो जाती है उसकी वजह से जो पीस लिली है वो ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी के गमले में जो है पानी का बहुत अच्छे से, पानी आपका जल्दी से एब्जॉर्व हो जाता है, पानी आपका बहुत ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, जितनी भी इसकी रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो होती रहती हैं। तो इसी वजह से आपको इस तरीके के जो आपके प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट रॉटिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको आप हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना प्रेफर करें। तो इसीलिए मैंने इस पीस लिली के प्लांट को अपने मिट्टी के गमले में लगाया है। अब कुछ चीज़ें हमें करनी है जो कि मैं आपको बताऊंगी जिससे कि हमारे पीस लिली में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी गार्डनिंग टूल से या किसी चीज़ से आपको इसकी बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी गुड़ाई करके रखी हुई थी पहले से ही। तो आप इसकी अच्छे से सारे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इसकी जो रूट्स है वो डैमेज ना हो, आप पूरे प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने के बाद में आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए कम से कम ऐसे ही छोड़ दें। मैंने इसको पानी नहीं दिया था और आप इसके देख रहे हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं वो बेंड हो रही हैं। वो इसीलिए बेंड हो रही हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं गया है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पीस लिली में, ये इंडिकेट करती हैं हमें कि इसकी जो लीव्स हैं वो बेंड हो रही हैं, वो देखिए आप कैसे मुरझाई हुई सी लग रही हैं, कि इसमें पानी की ज़रूरत अब है। तो आप हमेशा इसको चेक करके ही, या तो आप इसकी सॉइल चेक करके दें, या फिर आप इसको देखें कि जब इसकी पत्तियाँ नीचे झुकने लगें आप हमेशा इसमें तभी पानी दें। तो मैं इसमें पानी तभी देती हूँ जब इसकी पत्तियाँ ऐसे झुकने लगती हैं, और आज मुझे फर्टिलाइज़र देना था तो इसीलिए मैंने इसको 2 दिन से पानी नहीं दिया है। तो आप इसकी जो बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल आपको इसकी देख सकते हैं आप कि सॉइल इसकी कितनी मैंने फाइन सॉइल बनाई है, बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी इसकी है। तो आप इसमें यही मिट्टी दें, आप इसकी मिट्टी में थोड़ा सा गार्डन सॉइल लें, उसके बाद में आप ज़्यादा उसके अंदर बजरी, और जो आपकी बजरी या फिर आप परलाइट मिला सकते हैं, और उसके बाद में आप जो रिवर सैंड होती है वो मिलाएं, और थोड़ा सा आप इसमें कंपोस्ट डालें। तो यही हमारी जो सॉइल होती है, मैंने यही सॉइल इसकी बनाई है कि इसमें मैंने थोड़ा सा गार्डन सॉइल लिया है, बाकी मैंने इसके अंदर बजरी डाली थी और मैंने इसके अंदर रिवर सैंड मिलाई है, और उसके साथ में मैंने इसके अंदर डाला था कंपोस्ट। तो इसी तरीके से आप अपनी अगर सॉइल को तैयार करते हैं तो आपका पीस लिली बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो अभी हमें इसके अंदर क्या काम करना है कि अभी हमें इसके अंदर डालना है फर्टिलाइज़र। तो गर्मी के टाइम पे आप काऊ डंग फर्टिलाइज़र जो है देना थोड़ा सा अवॉइड करें, या अगर आप दें तो उसको आप पानी में मिला करके दें, या फिर उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है वो कहते हैं गर्म होती है, तो गर्मियों में उसको नहीं देना चाहिए। गर्मियों में हमें अपने प्लांट्स को देनी चाहिए ठंडी खाद, जैसे आप सीवीड दे सकते हैं, या फिर ये मैंने वर्मी कंपोस्ट परचेज करा है, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, आप उसको दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट लेंगे, और भी कई तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आते हैं, आप वो अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र से क्या होगा, जो इसकी ग्रोथ है और जो इसकी फ्लावरिंग है उसमें वो जो हमारा कंपोस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो उसकी वजह से, जो हमारे कंपोस्ट की वजह से जो इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसके मिट्टी में अच्छे से हम इस तरीके से इसको मिलाना शुरू करें। ये हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, और थोड़ा सा आप इसको इसकी मिट्टी के साथ में मिला दें,
जिससे कि जब हम इसको पानी देंगे तो वर्मी कंपोस्ट जो है धीरे धीरे करके सारी की सारी इसकी रूट्स में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जो हमारा प्लांट है उसको जो है एनर्जी मिलेगी, और उसी के साथ से हमारा जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करना फिर से हमें स्टार्ट कर देगा। तो आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर आप कोई भी और फर्टिलाइज़र जो है पर डाल सकते हैं। और इसके बाद में अब हम इसको बहुत ही अच्छे से पानी देंगे, जिससे कि जो इसका पानी है वो नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाए। मिट्टी के गमलों में एक ये भी अच्छा रहता है कि जो पानी है जो इस तरीके के हमने इसमें सॉइल दी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी भुरभुरी से जो मिट्टी दी है, और अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है। और आप इसको जो है टाइम टू टाइम हर 15 दिन में आप इसके अंदर फंगीसाइड कोई सा भी आप फंगीसाइड ले सकते हैं, बेस्ट फंगीसाइड लीजिएगा, और आधा चम्मच फंगीसाइड 1 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से उसको घोल करके और आप अपने प्लांट्स में अगर देते हैं हर 15 दिन में तो इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं होगी। तो आपको अभी यही काम करना है, आपको जल्दी से जल्दी इसके अंदर अभी पानी देना है, और पानी देने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर इस पर ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको अपना एनर्जी मिल जाएगी तो ये अच्छे से ब्लूम करना शुरू कर देगा। और अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको पानी तो इसको देना ही देना है, और उसके साथ में आपको इसके ऊपर अपने स्प्रे बॉटल से अच्छे से इसके ऊपर स्प्रे भी करना है, जिससे कि जो हमारी लीव्स है उनको भी उनके ऊपर भी जो है थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रहे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा पानी अगर हम डालेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा सा फील होता है। इसीलिए ये थी मेरी कुछ टिप्स, आप अभी अगर ये काम कर लेते हैं तो आपका पीस लिली भी अच्छे से ब्लूम करना शुरू कर देगा। तो जल्द ही मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।